हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर गुंजन अग्रवाल, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे कि आफ्टर पोस्ट डिलीवरी एक पेशेंट का कॉमन क्वेश्चन होता है कि मैम अब मेरे मेंसेस कब आएंगे, या मैं क्या करूं, या कितने दिन में आएंगे, या कब मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ मेंसेस। इसका आंसर ये है कि ये डिपेंड करता है डिफरेंट पर्सन पे, और एक इम्पॉर्टेंट इशू इसमें यह होता है कि आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं या नहीं करा रहे। इफ़ यू आर नॉट ब्रेस्ट फीडिंग टोटली, और यदि आपका बच्चा वाटर फैड पे है या फिर वो पार्शियली वाटर फैड और पार्शियली ब्रेस्ट फैड ले रहा है, तो फिर आपका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो जल्दी रिज्यूम हो सकता है। इट कैन रिज्यूम आफ्टर 6 वीक्स ऑफ डिलीवरी, विद इन 3 मंथ्स इट कैन रिज्यूम, इट डिपेंड्स ऑन विद इन 6 वीक्स टू 12 वीक्स ये आप मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड केस है, आप टोटली ब्रेस्ट फैड करा रहे हो बेबी को। इफ़ यू आर टोटली ब्रेस्ट फीडिंग योर बेबी, देन इट कैन मेंस्ट्रुअल साइकिल डज नॉट रिज्यूम आफ्टर एज लॉन्ग एज यू ब्रेस्ट फेड योर बेबी, समटाइम 1 ईयर, 1.5 ईयर, इट मे नॉट रिज्यूम। ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि यदि आप कॉन्टैक्ट करते हैं तो प्रेगनेंसी नहीं हो, इसके लिए आपको टाइम टू टाइम टेस्ट भी कराना पड़ सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन ब्रेस्ट फेड और नॉट ब्रेस्ट फेड। थैंक यू।